वैसे तो अल्लू अर्जुन की मूवीज के दीवाने तो हम सभी हैं, लेकिन जब से अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा आई है एंड पुष्पा ने जिस तरह से तबाही मचाया है, अब भाई अल्लू अर्जुन एक पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। एंड यही नहीं, अल्लू अर्जुन की आने वाली मूवीज भी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज की जाएंगी। तो चलिए जानते हैं अल्लू अर्जुन की आने वाली कुछ मूवीज के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के बिग फैन, तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लू अर्जुन की पहली अपकमिंग मूवी होने वाली है पुष्पा पार्ट टू। जी हाँ, पुष्पा पार्ट टू को पुष्पा के ओल्ड कास्ट के साथ कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फाजिल, लेकिन 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 पुष्पा 2 में कुछ नई कास्ट को भी ऐड किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि पुष्पा पार्ट 2 में विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं एज अ विलन। वहीं पुष्पा पार्ट 2 के बजट के बारे में बात करें तो यार पुष्पा पार्ट 2 का बजट और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। दोस्तों पुष्पा का बजट 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ का था, लेकिन पुष्पा पार्ट 2 का बजट 350 करोड़ से लेकर 400 करोड़ का बताया जा रहा है। मतलब कि इस बार भी तबाही। पुष्पा पार्ट 2 पर मेकर्स ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है एंड पुष्पा पार्ट 2 को 2023 के एंड तक रिलीज किया जाएगा। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट मूवी है उस मूवी का नाम है आइकन। दोस्तों अल्लू अर्जुन की आइकन मूवी पिछले काफी टाइम से चर्चे में है, बिकॉज इसकी अनाउंसमेंट काफी टाइम पहले ही हो गई थी। आइकन एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है। इसे डायरेक्ट करें वेणु श्रीराम, प्रोड्यूस करें दिलराजू। वहीं इस मूवी की कास्ट में आपको नजर आएंगे अल्लू अर्जुन, कृति शेट्टी, पूजा हेगड़े, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार। दोस्तों आइकन पहले पैन इंडिया मूवी नहीं थी, लेकिन पुष्पा के सक्सेस के बाद मेकर्स ने अनाउंस कर दिया कि अब आइकन भी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है। दोस्तों आइकन मूवी को और पहले ही रिलीज कर दिया गया होता, लेकिन जिस तरह से पुष्पा मूवी हिट हुई है तो मेकर्स ने तुरंत पुष्पा 2 पर काम स्टार्ट कर दिया, इस वजह से ये मूवी डिले हो गई, नहीं तो ये मूवी और पहले ही रिलीज कर दी गई होती। दोस्तों इस वक्त अल्लू अर्जुन पुष्पा पार्ट 2 में बिजी है, यानी कि पुष्पा पार्ट 2 के बाद ही अब अल्लू अर्जुन किसी और मूवी की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि आइकन मूवी आपको 2024 में देखने को मिलेगी। अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म होने वाली है AA21, जिसे डायरेक्ट करे हैं कोयटाला शिवा। कोयटाला शिवा ने पहले भी कई सारी हिट मूवीज को डायरेक्ट किया है, जैसे कि जनता ग्राज एंड हाल ही में आई मूवी आचार्य को भी इन्होंने डायरेक्ट किया था। तो भाई अल्लू अर्जुन के साथ भी अब इनकी एक मूवी आने वाली है जो AA21 होने वाली है। इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, मुरली शर्मा, उन्हीं के साथ और भी कई दिग्गज कलाकार। दोस्तों इस मूवी की अनाउंसमेंट काफी टाइम पहले ही हो गई थी, लेकिन पुष्पा पार्ट 2 की वजह से अल्लू अर्जुन की कई फिल्में डिले हो गई, जिसमें ये फिल्म भी शामिल है। तो भाई अब AA21 आपको 2024 के एंड तक देखने को मिलेगी। अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म होने वाली है एटली कुमार के साथ, जो कि अभी अनटाइटल है। दोस्तों पुष्पा की सक्सेस के बाद एटली कुमार ने भी अल्लू अर्जुन को एक मूवी ऑफर किया है एंड वो उसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना चाहते हैं। दोस्तों एटली कुमार ने कई सारी हिट मूवीज को डायरेक्ट किया है, जैसे कि बिग इल, थेरी और भी कई मूवीज को, और भाई इनकी मूवीज को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड अब एटली कुमार अल्लू अर्जुन के साथ एक मूवी बनाने वाले हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि इस मूवी को रिलीज होने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। बताते हैं क्यों। दोस्तों अल्लू अर्जुन इस वक्त पुष्पा पार्ट 2 में बिजी हैं और एटली कुमार इस वक्त शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि शाहरुख खान और एटली कुमार की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है जवान। भाई इस वक्त अल्लू अर्जुन और एटली कुमार दोनों ही बिजी हैं। अब दोनों जब फ्री होंगे तब वो दोनों इस मूवी पर काम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि इस मूवी को रिलीज होने में अभी काफी ज्यादा टाइम है। मूवी रिलीज हो सकती है 2025 में। दोस्तों अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म होने वाली है जो कि अनटाइटल है और इसे डायरेक्ट करे हैं बोयापति श्रीनु। दोस्तों बोयापति श्रीनु की मूवीज काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। इन्होंने पहले भी कई सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है, जैसे कि अखंड, विनय विदय रामा, लेजेंड, सराय नायडू, जय जानकी नायिका। दोस्तों अल्लू अर्जुन के साथ इनकी हाल ही में एक मूवी आई थी सराय नायडू, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो भाई अब अल्लू अर्जुन के साथ इनकी एक और फिल्म आने वाली है जो कि आपको 2025 तक देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैंने इनकी मूवी देखी है सराय नायडू, जो कि इन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ बनाया था एंड वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आपने इस मूवी को देखा या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक आपने नहीं देखा तो इस मूवी को आप हिंदी में YouTube पर आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अल्लू अर्जुन की कुछ अपकमिंग मूवीज। आप इन सभी मूवीज में से किस मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो फिल्मी टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।